हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर। जैसे पहला इशू ये आ रहा है कि बच्चों का फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड दिखा रहा है, यानी कि जब आपने ऐड पेपर करके सबमिट किया तो फॉर्म वहाँ से सबमिट हो गया, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए। पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि पेमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम जो आ रही है, मतलब पेमेंट नहीं हो पाया है या फिर पेमेंट फेल्ड हो गया है, इस संबंध में क्या करें। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, आपको ये वाला पेज तो पता ही है जहाँ से आपने फॉर्म भरा था। आप यहाँ पर देखेंगे कि बीएड और बीपीएड, यहाँ देखिए कॉलेज, सॉरी नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये देखिए कॉलेज एग्ज़ाम फ़ीस, बीपीएड एमपीएड बीएड सेकेंड ईयर, यहाँ पे आपको फ़ीस पेमेंट करना है। मतलब आपका फेल्ड हो गया हो या फिर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया हो और वहाँ से फिर से आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कॉलेज ऑलरेडी फिल्ड। यहाँ पे अगर आप जाके फिर से फिल करेंगे तो आपको दिखाएगा कॉलेज ऑलरेडी फिल्ड। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको कॉलेज एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर या फॉर्म नंबर डालना है और यहाँ DOB डालना है, और जैसे इसको फिल करके सबमिट करते हैं आप सीधे मेक पेमेंट पे जाएंगे और मेक पेमेंट से दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि फॉर्म भरते हुए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन केस अगर आप यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर नहीं पता है, फिर भी आप मत घबराइए, हम बताते हैं इस कंडीशन में आपको क्या करना है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जस्ट एक मिनट, इस कंडीशन में आपको फिर से इस वाले पेज पे आना है और आप यहाँ से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए रेफरेंस नंबर और एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर सबसे लास्ट वाले लिंक पे क्लिक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद क्या डिटेल्स आ रही हैं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे डालना है प्रीवियस ईयर रोल नंबर, प्रीवियस ईयर रोल नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए, ठीक है। फिर यहाँ से आपका फॉर्म नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो फॉर्म नंबर सॉरी रेफरेंस नंबर आ जाएगा, तो रेफरेंस नंबर या फॉर्म नंबर वहाँ से कॉपी करके आप फिर से यहाँ डाल के पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी एक और समस्या आ रही है, देखिए आप जब रेफरेंस नंबर मिल जाएगा तो आप यहाँ पे कॉलेज फ़ी पे जाके यहाँ पे सबमिट करके आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। ओके ओके, दूसरी ये समस्या आ रही है कि बच्चे शायद लास्ट प्रिंट आउट जो कॉलेज में जमा करना है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी बार चाहें आप उतनी बार डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, नीचे आपको दिया गया है रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म कैंपस एग्ज़ाम फीस, आपको रीप्रिंट कैसे करना है। जैसे ही आप रीप्रिंट जाते हैं फिर से आप यहाँ पर फॉर्म नंबर डालिए और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म ही रहेगा, कैंपस का नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि हम एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सबमिट जैसे ही आप करते हैं आपका फिर से वो जो लास्ट एक पेज का प्रिंट आउट निकलना है जो कॉलेज जमा करना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तीन समस्याओं पर हमने बात करी, कौन कौन सी समस्या, अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो गया या पेमेंट नहीं कर पाए या फिर वहाँ से सबमिट हो गया और पेमेंट नहीं हो पाया, इस संबंध में आपको क्या करना है। इस संबंध में यहाँ पे कॉलेज एग्ज़ाम फ़ी पे आके क्लिक करके फॉर्म भर देना है। और इन केस अगर आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है तो आप यहाँ से फाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म रेफरेंस नंबर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फाइनल जो प्रिंट आउट कॉलेज में जमा करना है वो अगर नहीं मिला तो आप यहाँ पर रीप्रिंट पर आके जमा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट से, आप सेल्फ फॉर्म भरिए, कोई भी इशू आता है आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने फ़ोन से इजीली फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की एक एक स्टेप वाइज मैंने करके दिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक करके भर सकते हैं। ओके दोस्तों, रिमेनिंग कोई भी समस्या आ रही है आप मुझे बताएं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इनरोलमेंट नंबर को लेकर आप परेशान मत होइए, आप वहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, सीधा आप सबमिट करिए अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो। इनरोलमेंट नंबर के बारे में बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके दोस्तों, बाकी कोई भी समस्या आती है आप हमसे पूछ सकते हैं, इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। देखिए मुझे खुशी होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो, क्योंकि मैं बस RMLU का ही वीडियो बनाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है RMLAU के बच्चे ही बस सब्सक्राइब करेंगे, बाहर के बच्चे नहीं। अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।